कोई है? कोई है? कुछ है? खोलो! जिन मुजरिमों को पुलिस ने उठाया है, उनका कहना है कि उन्होंने सजाद को मार दिया। What? तुम समझाओ ना इस बेवकूफ लड़की को। पुलिस तो थक गई है सजाद को ढूंढते ढूंढते। सजाद अब नहीं मिलने वाला है। ये बिला वजह अपनी हड्डियां घिस रही है वहां पे और हर वक्त अपने ससुराल में घुसी रहती है। भाई क्यों? सारे पैसे ना अपनी सास पे लगाए चले जा रही है। क्यों? मैंने ठेका लिया है सबको समझाने का। सबकी अपनी अकल होती है, सब अपनी मर्जी करते हैं, मेरे अपने मसाइल कम है क्या? अच्छा तुम भूल गई हो शायद, तुम्हारे जितने मसाइल थे ना वो मैंने हल किए हैं। बढ़िया ही बातें करने वाली। किसी को मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन पराया। वही मैंने अम्मी से कहा है, जो भी मसला होता है मुझे बुला लेती हैं और यहाँ आके खोदा पहाड़ निकला चूहा। मेरा अपना घर कितना डिस्टर्ब हो रहा है उनकी वजह से। ये क्या बात हुई भाई? बात सुनो, तुम लोग में से कोई भी मेरे पास नहीं बैठता है, कोई मुझे वक्त नहीं देता है। मैं कोई पागल हूँ, भूत हूँ या झूठ की बीमारी है मुझे? नौशीन माँ क्यों खड़ी हो यहाँ के? बैठो मेरे पास। नौशीन तुम भी चली जाओगी? मेरी बात तो सुनो। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सबने ही मुझे अकेला छोड़ दिया है। ये लोग सब अपना वक्त भूल गए ना? तुम लोग ये मैं ही काम आई हूँ और कौन काम आया है? थैंक गॉड बेटा तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। खैरियत तो है? हाँ मुझे नौशीन की तरफ जाना था, सोचा अफसोस भी कर रहा हूँ। किस चीज का अफसोस? बेटा उसका हस्बैंड अगवा हो गया और अब तो शायद वो जिंदा भी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो अभी भी पुलिस के पास मिसिंग पर्संस की लिस्ट में। तो वो जो तुम बात कर रहे थे कि शायद उसका मर्डर हो गया, वो तो खामखा कुछ लड़कों ने स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई हमने उसे मार के कहीं फेंक दिया और ये भी नहीं याद कि कहां फेंके। What rubbish! तो हो सकता है वो सच कह रहे हो? Not really. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। वो मुसलसल अपनी स्टेटमेंट बदलते, इनफैक्ट कोर्ट में जाके तो बिल्कुल ही मुकर गए थे। वो तो पुलिस ने टॉर्चर करके ये मनवाया था। Oh God, ये मामला तो बहुत उलझता चला जा रहा है। इसका मतलब नौशीन बेचारी सारी जिंदगी उसका इंतजार करती रह जाएगी। उसकी आस खत्म नहीं होनी चाहिए मामा, वरना वो टूट जाएगी। अल्लाह करे बेटा। अच्छा चलो अभी तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मामा प्लीज, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिससे वो परेशान हो। ओहो जुहेब, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, अभी तो चलो मेरे साथ। कहाँ रह गई ये लड़की? जाती है तो बस वहीं की होके रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम? मैं तुम्हारे यहां और वहां के चक्करों से सख्त आजिज आ गई हूं। मेरा वहां जाना जरूरी था और मैं वापस आ तो गई हूँ, रुकी तो नहीं हूँ। खुद तो वहां तुमने कुछ ना कुछ ठूंस ही लिया होगा, है ना? मेरा ख्याल था तुम्हें, भूख से तड़प रही हूँ यहाँ। पापा मैंने कुछ नहीं खाया वहां, खाने पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। हाँ इसी कमबख्त ध्यान का ही तो सारा किस्सा है, जो कि तुमने दिया ही नहीं कभी। जाओ अब किचन में जाके मेरे लिए दो अंडों का आमलेट बना के लाओ। मैंने आने से पहले खाना ऑर्डर कर दिया था, आता ही होगा। अरे मुझसे पूछ तो लिया होता, अपनी पसंद की हर चीज मंगा ली होगी। मुझसे नहीं खाए जाते ये पिज्जे चीजें। आपके पसंद की बिरयानी मंगाई। एक तो ये कमबख्त मेरी जबान जो है ना गलत वक्त पे गलत चल जाती है। किस कदर ध्यान रखती है मेरा, मैं ही हूं जो बस हर वक्त डांटती रहती हूँ।
बिरयानी देखूं। क्या मिला मुझे ये सब कुछ करके? क्यों रोना पीटना मचा रखा है? कोई मर गया है क्या? हाँ, मेरी औलाद का एहसास मर गया है। ये सब के सब बहुत बेदीद हो चुके हैं। इनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि दो बोल बैठ के मेरे साथ बोल ले जरा प्यार के। हाँ, सरजदे की समझाता रहा तुम्हें, इंसान वही काटता है जो बोता है, लेकिन तुमने हमेशा बच्चों को यूज किया। यूज किया? क्या यूज किया मैंने? सारी जिंदगी आप लोगों के पीछे गवा दी, सारी सारी रात जाग के गुजारे, अपना निवाला उनके मुंह में दिया है। हाँ तो ये सब तो माँ के फराइज में शामिल होता है, लेकिन उसके बाद जो तुमने किया वो सरासर बच्चों का इस्तेहसाल था, और नौशी के मामले में तो तुमने हद कर दी। भुगतो अब। हाँ हाँ, भुगत रही हूँ और आगे भी भुगतती रहूंगी। आप करें अल्लाह अल्लाह और खूब मजे करें, मैं चाहे जाऊं जहन्नुम में। या अल्लाह, इस औरत पर रहम फरमा। यकीन करें जैतून, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं काफी अरसे से आना चाह रही थी आपके पास, लेकिन रोजाना कोई ना कोई मसरूफियत निकल आती थी। आपकी बड़ी मेहरबानी जुहेब, बहुत अच्छा बच्चा, यकीन करें उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मैं तो खुद आपसे मिलना चाह रही थी शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है। अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे, हम गरीबों के पास तो दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं। शर्मिंदा मत करें जैतून। नौशी बेटे जाओ ना, कुछ लेकर आओ इनके लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, सच्ची कोई तकल्लुफ नहीं। नहीं नहीं, तकल्लुफ कुछ भी नहीं है, यकीन करें मुझे आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। प्लीज मुझे कुछ खिदमत करने दें। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था नौशी के हाथ की चाय पीने का। शाबाश, जाओ नौशी, मैं लेकर आती हूँ। क्या सोच रही हो? कितना बड़ा है ना ये आसमान, सारी दुनिया को अपने साए के नीचे ले रखा। ये तो है, तो ये मुझे साए क्यों नहीं देता? मैं कब तक इस धूप में जलूंगी? नौशीन, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? कितनी बदनसीब हूं मैं, जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। नौशीन, तुम खुद को क्यों कोस रही हो? तुम बदकिस्मत नहीं हो, बस कुछ लोगों पे अल्लाह की तरफ से आजमाइशें ज्यादा आती हैं। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अब फिर मेरा सर खाएंगे। रामी, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही मुझे छोड़ दिया है। क्या क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? एक फोन नहीं करती हो तुम? 100 काम होते हैं मुझे घर के, टाइम नहीं मिलता लोगों को फोन करके गप्पे लगाने का। अच्छा, अब तुम लोगों ने मुझे लोगों में शुमार करना शुरू कर दिया। भूल गई हो तुम, तुम्हारे लिए और सईद के लिए मैंने कितने जतन किए, क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी वजह से नौशीन से भी बहुत ज्यादती हो गई। चले, आपको एहसास तो हुआ कि आपने किस किस के साथ क्या क्या ज्यादती की है। पर ये जो आप बार बार बोलती रहती हैं कि मैंने ये किया वो किया,
जो कुछ किया है आपने अपनी मर्जी से किया है, इसके लिए किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था, इसलिए आप अपना कचरा ना हम पे मत डाला करें। नहीं, मैं गिला नहीं कर रही, बस एक बात कही थी। अच्छा अम्मी, बहुत हो गई बातें, सईद आने वाले हैं, मुझे खाना बनाना है और पूरा घर बिखरा पड़ा है, दोबारा बात करूंगी, अल्लाह हाफिज। आपको दिमाग खराब करके रखा होगा, फोन पे फोन, फोन पे फोन। क्या मुसीबत, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अम्मी थी, दिमाग खराब कर दिया अपनी बातों से। तुम उनका फोन सुनती ही क्यों हो? क्या करूं, जो फोन करती है थकने का नाम नहीं लेती, मजबूर होकर मुझे उनकी कॉल उठानी पड़ती है। बात हमेशा उस शख्स से की जाती है जिससे कोई फायदा मिलने की उम्मीद हो, जैसे कि नौशीन। इनके तो अपने रोने धोने नहीं खत्म होते। वाकई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कभी इस चीज का रोना, कभी उस बात की चिक चिक, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिलती ही नहीं है। तुम ऐसा करो, इनका नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डालो, करती रहेंगी ये फोन। वो यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आने से हम उन्हें कैसे ब्लॉक करेंगे? क्या मुसीबत है ये औरत की। तुम ऐसा करो, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, इनकी बातों से तो डिप्रेशन ही होता है। हाँ चले, हम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं, मैं खाना निकालती हूँ, मैंने बहुत मजे की बिरयानी बनाई। चलो आओ ना बेटा, बैठो। नहीं आंटी, मैं दरअसल आपको एक बात बताने आया था। क्या बात? मेरा सजाद मिल गया है ना, कुछ पता चला उसका? आप सच कह रहे, सजाद का पता चाहिए, कहाँ है वो? बताओ ना, बताओ, मुझे सबर नहीं हो रहा। वो दरअसल पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। वैसे तो उसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग उसे उसके कपड़ों से पहचान लें। या मेरे अल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नौशीन, नहीं, वो सजान नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है वो सजान नहीं हो सकता। आंटी बिल्कुल, आप इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सजाद ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो सजाद नहीं होगा, मुझे यकीन है। आप प्लीज हौसला करें, मैं आपको जैसे ही कुछ पता लगता है मैं आपको बताता हूँ। अरे अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में मत डाल मेरे मालिक, मैं अपने बच्चे को जाते नहीं देख सकती। अब क्या परेशानी है? पता चल तो गया है कि वो किसी और की लाश थी, सजाद की नहीं। सही, अल्लाह का बहुत शुक्र है। पप्पू की तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, ये सुन के किसी की डेड बॉडी मिली है। बस करो, वो परेशान होने वाली चीज नहीं है। उसे कुछ होना होता पहले हो जाता, जब उसे खबर मिली थी। उसने नहीं मरना, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। ये तो तुम बेवकूफ हो। मैंने क्या बेवकूफी की है? यही जो कर रही हो। सजाद नहीं मिलेगा तुम्हें अब। क्यों सर आपके पीछे भाग रही हो? क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? मैं इंतजार करूंगी उसका, मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा।
बेवकूफों के सर पे सींग होते ना तो वो तुम्हारे जैसे होते। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारे पीछे माथा मार मार के। अम्मी हम पहले भी इस टॉपिक पर काफी बार बात कर चुके। हाँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क पड़ा क्या? मैं तुम्हें क्या समझाती हूँ? मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई। हाँ जाओ, अब नहीं आना वापस। जाके बैठो अपनी सास के कदमों में, क्योंकि माँ तो तुम्हें काटने को दौड़ती है ना। जाओ यहाँ से। अब किसी के पास भी वक्त नहीं है मेरे लिए। काफी टाइम गुजर गया और सज्जाद का अब तक कुछ पता नहीं चला। काश ऐसा हो कि वो कभी वापस ना आए। गॉड, मोहब्बत में कभी कभी इंसान कितना खुद गर्ज हो के सोचने लगता है। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। नौशी क्या हुआ सज्जाद को, कैसा है वो बता मुझे। तू गई थी ना उसके साथ, तो बुत क्यों बनी हुई है बताती क्यों नहीं मुझे? तेरी वजह से हुआ सब कुछ मनहूस। अच्छी खासी निकल गई थी उसकी जिंदगी से, फिर वापस आ गई। अच्छा सज्जाद। क्या सज्जाद, क्यों सज्जाद बता मुझे। और तुम्हें खुद देखती हूं उसे, सज्जाद मेरा बच्चा सज्जाद। तुम्हारी बेटी हजार दफा कह चुकी है कि वो यहां नहीं आना चाहती, तो क्या जबरदस्ती लाओगी उसे? हाँ जबरदस्ती लेकर आऊंगी। इस बार अगर मुझे उसके कान खींचकर भी लाने पड़े तो भी लेकर आऊंगी। एक बात कहूं नौशीन, कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, इसलिए उन्हें अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए। अल्लाह पर ही छोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ नौशीन, सोचा था सज्जाद है। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मुझे कंधा देकर उतार आएगा कब्र में, लेकिन वो आप हर्ट करती है मुझे इन बातों से।